खबर वही जो वतन के काम आए, खबर वही जो हिंदुस्तान को जगाए, खबर जिसमें देश हो सबसे पहले, खबर जो भारत का भविष्य बदले। नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार छत्तीसगढ़, आपके साथ मैं हूं अंशु। वक्त हो चला है इस वक्त की बड़ी खबरों का। कहते हैं कि इंसान रंजिश में कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक कि इंसान इंसान की जान तक ले लेता है या फिर किसी दूसरे तरीके से अपनी दुश्मनी भांजता है। इसी तरह पड़ोसी द्वारा गर्भवती सुअर की हत्या करने का एक मामला धरमजयगढ़ थाने में आया है, जिसमें आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। घटना धरमजयगढ़ थाना क्षेत्र के खड़गांव की है, जिसमें पीड़ित और उसकी पत्नी ने बताया कि उसके एक पालतू सुअर को गांव के ही एक व्यक्ति ने रंजिश रखते हुए डंडे से पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी है, जिसमें स्थानीय पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया है। नाम है विजय। कहाँ के हो? मैं खड़गांव के हूँ। क्या हुआ है बताओ? वो मोर सुअर ला पाल नहीं ना तेला गर्भवती रही, 16 मान के चलो मारिस विजय नाम के हर, और मंडी के पास में। क्यों मारा? वो अब तो बच्चा डारत रही 16 ले, वो माने कि आस पास में बुलत रही तो गेड़ा लेके वो मार दी। पहले कोई विवाद विवाद हुआ था? कुछ नहीं रही समझ। खड़गांव निवासी रामकुमार बसोल गांव में ही अपने घर पर सुअर पाल के रखे हुए थे, जिसमें एक गर्भवती थी और एक सुअर अभी हाल ही में नवजात बच्चों को जन्म दी है। ऐसे में 8 जनवरी की सुबह गांव के ही विजय सुबह 8 बजे करीब मंडी के पास आया और सुअर को डंडे से पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। इस दौरान रामकुमार की पत्नी ने जब इसका विरोध किया तो उससे भी धक्के मुक्के से मारपीट की गई। घटना की रिपोर्ट फिलहाल धरमजयगढ़ थाने में दर्ज कर ली गई है तथा आरोपी विजय अघरिया के खिलाफ IPC की धारा 429 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। धरमजयगढ़ से गुरुचरण सिंह राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल की बड़ी खबरों में बस इतना ही, बाकी की छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जोहार छत्तीसगढ़। नमस्कार।